आशा वर्कर हुआ 4000 देना होगा, देना होगा, देना होगा। काम का लोड कम करो, कम करो, कम करो। काम का लोड कम करो, कम करो, कम करो। जॉब कार्ड रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। जॉब कार्ड रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। आशा वर्कर हुआ 4000 तनख्वाह देना होगा, 4000 तनख्वाह देना होगा, देना होगा, देना होगा। आशा वर्कर के तनख्वाह में इजाफा करना होगा, करना होगा, करना होगा। गांधी जयंती के मौके पर आशा वर्कर के साथ इंसाफ करो, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशा वर्करों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गांधी जयंती के मौके पर आशा वर्कर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गांधी जयंती के मौके पर आशा वर्करों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। आशा वर्करों के तनख्वाह में इजाफा करना होगा, करना होगा, करना होगा। आशा वर्करों के तनख्वाह में इजाफा करना होगा, करना होगा, करना होगा। गांधी आशा वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। वीडियो निकाल के डालो ना भाई। ए छोटू, मेरा नाम मीना है, आशा वर्कर हैदराबाद इंचार्ज हूँ और CITU डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारा आशा वर्करों का स्ट्राइक आज को 8वां दिन है। आज गांधी जयंती है, गांधी जयंती के दिन हम गांधी के फोटो के सामने हमारी रिक्वेस्ट लेटर लगा के हम रिक्वेस्ट कर रहे गांधी साहब को, गांधी जी आप इस दुनिया में नहीं है, हमारी मांगे सुनो, हमारी समस्या सुनो, हमारी डिमांड सुनो बोल के आज गांधी फोटो के सामने हमारा पूरा डिमांड की लेटर लगा रहे सो है। चार मीनार बहादुरपुरा के तरफ से हम पूरा आज 8वां दिन का स्ट्राइक चार मीनार के सामने कर रहे सो है। हमारा मेजर मुद्दा है कि हमारे को 18000 तनख्वाह फिक्स्ड करना होगा। जो जो कामा करवा रहे हैं उसको कुछ भी पैसा नहीं दे रहे, उसका पैसा भी इमिडिएटली देना बोल के। और हमारा ESIPF की सहूलत नहीं है, सबकी हेल्थ की सहूलत हम देखते हैं लेकिन हमारी सहूलत नहीं है कुछ भी, पेंशन की नहीं है, ESI का नहीं है, इसीलिए हमको ESIPF की देना बोल के हमारा दूसरा डिमांड है। हमारा तीसरा डिमांड क्या है बोले तो, जॉब चार्ट रिलीज करो हमको। कई को बोलते ये काम बोल रहे, वो काम बोल रहे, कुछ भी कामों का पैसा नहीं दे रहे, फिर वही हमारे को पारितोषिकम नाम पे सैलरी दे रहे सो है। ये नहीं चलता साहब, हमारे को भी फिक्स्ड बनाओ। बाजू आंध्र राष्ट्र में जगन CM पूरा 10000 फिक्स्ड करके दे रहे सो है, टारगेट नहीं लगा रहे। ANC लाओ, PNC लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये सर्वे करो, वो सर्वे करो, BLO का
सैलरी देना होगा। फिक्सर सैलरी बड़ा 18,000 पूछ रहे हम। आज महंगाई पूरा बढ़ गए सो है, चावल का दाम, दाल का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम। आज खाने को खुद भी जाना बोले तो हजारों हजारों पकड़ के दुकानों में गए तो रेशन आ रहे सो है। अगर सौ का नोट पकड़े तो कुछ भी नहीं आ रहे साहब। इसीलिए जैसा महंगाई बढ़ रहे हमारे खर्चा बढ़ाना है। और ये जो आप हमारे को 32 रजिस्टर है, ये रजिस्टर पूरा गवर्नमेंट देना है। हम आज तक पूरे वो रजिस्टर लिखना, ये रिको वो लिखो बोल के हमारे ऊपर हरासमेंट है। और हमारे को 9 से लेकर 4 बजे तक हम ड्यूटी करते हैं। 4 बजे के बाद में हम ड्यूटी नहीं करते। अरे हमारे को ड्यूटी करे तो भी सैलरी नहीं दे रहे, इसके नाम पे उसके नाम पे भी सैलरी। आधी रात को फोना करते रहते, सोना नहीं, घर संसार परिवार पूरा छोड़ के ये ड्यूटी करना है। इसीलिए वर्कलोड ज्यादा है, कम करो बोल के बोल रहे। हमारे ऊपर हरासमेंट ज्यादा है, हरासमेंट नहीं करना। हम पूरे आशा वर्कर है, सेवा करने के लिए स्कीम वर्कर है। केंद्र गवर्नमेंट, राष्ट्र गवर्नमेंट पूरा हमारे ऊपर हमारा समस्या पे बुला के चर्चा करके मेजर डिमांड 18,000 चाली है, वो उसको बुला के अगर चर्चा करे तो अच्छा है। नहीं तो आज को 8वां दिन है, आज कल से अगर पूरा 5 तारीख के अंदर बुला के बात नहीं करे तो 5 तारीख के पूरा 18,000 पूरा आज हैदराबाद रहने दो, तेलंगाना स्टेट में रहने दो। 28,000 मेंबर आशा वर्कर पूरे रोडों पे आगे आवाज उठाने के लिए तैयार है। वहां तक नक्को लालो बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। हमारे रिक्वेस्ट है हमसे बुलाओ, चर्चा करो और फिक्स्ड सैलरी का चर्चा करो। पीआरसी बढ़ाओ, हमको सबको कैसा बढ़ा रहे वैसा बढ़ाओ। क्या साहब टारगेट हटा दो, हमको टारगेट नहीं लगाना। आप लोगों को औरतों को टारगेट लगाए तो क्या, पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के उनको परमिशन आ